झाबुआ विधायक को लेकर जल्द ही होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्य निर्वाचन आयोग की वी कांताराव आज झाबुआ पहुंचे। कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झाबुआ विधायक से विधायक कुमार सिंह डामोर ने सांसद चुने जाने से खाली हुई सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने के उपचुनाव की तैयारियां की समीक्षा करने झाबुआ पहुंचे। मुख्य निर्वाचन आयोग की वी कांताराव ने अधिकारियों को आवश्यकता निर्देश दिए। वी कांताराव मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन नामावली से अपडेशन को सतत प्रक्रिया बताते हुए चुनाव को मद्देनजर विशेष तौर पर काम किए जाने की बात कही है। मुख्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव उपचुनाव के चलते जिला प्रशासन को डोर टू डोर मॉनिटरिंग कर नामावली अपडेट करने का निर्देश दिया। रतलाम संसदीय क्षेत्र समेत सवदा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कांग्रेस की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई। ऐसे में झाबुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ईवीएम की उपलब्धियां पर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बात की। निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में पेशी के दौरान ईवीएम के उपयोग की अनुमति ली जाएगी। अनुमति ना मिलने पर आयोग की ओर से धार जिले के ईवीएम इस्तेमाल किए जाने की बात कही। झाबुआ से मुकेश परमार की रिपोर्ट। हमारे जो मतगणना के पश्चात जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारे सारे ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में बंद हैं और इस पार्लियामेंट निर्वाचन क्षेत्र में रतलाम निर्वाचन क्षेत्र में चूंकि एक इलेक्शन पिटीशन लगा हुआ है हाईकोर्ट में तो हम वो मशीनें बिना हाईकोर्ट के आदेश का बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इस कोशिश में हैं कि जो पहली पेशी है उस पिटीशन का उसमें हम हाईकोर्ट से निवेदन करें कि हमें ये मशीन बाहर निकालने की चूँकि हमारा उपचुनाव आने वाला है ये मशीन बाहर निकाल के उपचुनाव में इस्तेमाल करने का हमें अनुमति दिया जाए ऐसा हम अनुरोध करेंगे। और यदि उसमें कोई देरी हुआ तो बगल वाला जो ज़िला है धार उसमें हमारे पास मशीन फ्री रखे हैं वहाँ कोई पिटीशन नहीं है मशीन फ्री है तो वहाँ से भी हम मशीन ला सकते हैं। हमें लगभग 500 ईवीएम वीवीपैट ये सब लगेंगे तो हमारा इंतज़ाम हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मतदाता सूची एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर अद्यतन होता रहता है। आप कभी भी आवेदन दे सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं बीएलओ के माध्यम से भी आवेदन दे सकते हैं। इसमें चूंकि झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में बाय इलेक्शन है तो हमने आज ये निर्देश दिए हैं कि झाबुआ का जो मतदाता सूची है उसका थोड़ा सघन अद्यतीकरण होना चाहिए। उसमें गांव-गांव में जाकर हमें देखना चाहिए कि किसी का डेथ तो नहीं हुआ कोई नया आए तो नहीं है तो हम आगे जाकर लोगों से आवेदन इकट्ठा करें और उनको और हम मतदाता सूची को अच्छी तरह से अपडेट कर लें।